अब क्यों आए हो यहाँ? इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है। मुझे लगता है हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर है आज की ट्रेंडिंग न्यूज। सबसे पहले ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी हुई है स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में से, क्योंकि सई और विराट ने अपना रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है और अब दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स देने वाले हैं। जो मुश्किल में साथ रहे, तुम्हें जाना है ना, जाओ, मुझे भी अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। साथ ही कहानी में एक और ट्विस्ट है, सई प्रेग्नेंट होने वाली है, जो इस फोटो से देखकर साफ साफ पता चल रहा है। वैसे सई का सपना होगा या हकीकत, ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर वरुण धवन बने हैं चीफ गेस्ट और उन्हें मौका मिला है 26 जनवरी को देश का झंडा फहराने का। मेरे साथ कोई लड़ाई करे जब मैं किसी को मनाऊं। अगली ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी हुई है कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस 15 से। बहुत जल्द आने वाला है इसका फिनाले, जिसमें नजर आएंगी शहनाज गिल, जो वहाँ सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देंगी। साथ ही बिग बॉस 15 में नजर आएंगी बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी, जो अपनी फिल्म गहराइयां का प्रमोशन करते हुए नजर आएंगी। ब्लॉकबस्टर होगा बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले, क्योंकि आ रही है दीपिका पादुकोण। दीपिका रणवीर पादुकोण सिंह। अगली ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी हुई है नागिन 6 से। खबरों की माने तो नागिन 6 में नागिन के किरदार में नजर आ सकती है तेजस्वी प्रकाश, जो इन दिनों बिग बॉस के घर में कैद है। साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि सिम्बा नागपाल मेल लीड के किरदार में नजर आएंगे। साथ ही खबरें ये भी है कि नागिन 6 में सहीर शेख भी नजर आएंगे कैमियो रोल करते हुए। अगली ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी हुई है मौनी रॉय से, जिनकी हाल ही में शादी होने वाली है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। देख लीजिए मौनी रॉय की एक झलक। साथ ही अपनी शादी को लेकर मौनी रॉय बहुत ही एक्साइटेड है और देखिए कैसे अपने दोस्तों के साथ खुशी जाहिर कर रही है। अगली ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी हुई है स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर से। सीरियल ने पूरे कर लिए हैं एक साल और इसी खुशी में सेट पर केक काटा गया। पूरी टीम ने मिलकर न सिर्फ एक दूसरे को बधाइयां दी बल्कि एक दूसरे का मुंह भी मीठा किया। ये तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं, सच बता। तू दिमाग दौड़ा रहा है कि यो मैंने किए। अगली ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी हुई है जी टीवी के सीरियल मीत से, जहां पर मिस्टर और मिसेस मीत के बीच शुरू हो गई है गलतफहमियां। मिस्टर मीत को लगता है कि उनकी बीवी मिसेस मीत ने एक आदमी की पिटाई कर दी है। मिसेस मीत के कहने पर भी वो मानने को तैयार नहीं। तो प्लीज तुम कॉलेज छोड़ दो मीत। जो भी मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है ना, आज तो उसने ढेर करके रहूंगी। क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेत्री हेजल के घर गूंज उठी है किलकारियां। इनके घर हुआ है बेटा और ये खुशी युवराज ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस तक पहुंचाई। सास बहू और बेटिया की तरफ से दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। अगर आनंदी को छोड़, अगर आनंदी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुझे में बहुत गर्मी है, तुझे पकड़ता हूँ। अगली ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी हुई है कलर्स के सीरियल बालिका वधू 2 से, जिसमें जिगर कोमा में चला गया है। असल में आनंद आनंदी और जिगर के बीच हो गई है कहासुनी, जिसके चलते धक्का मुक्की में जिगर गिर जाता है और उसको करंट लग जाता है। ये खबर जानकर जिगर के घर वाले सदमे में है। साथ ही आपको ये बता दें कि बालिका वधू 2 को मिल गया है एक और मौका अपने दर्शकों का दिल जीतने का। सीरियल में आने वाला है 3 साल का लीप, जिसके बाद कहानी नए सिरे से शुरू होगी। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगी, लेकिन रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। अगली ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी है उन लोगों से, जिनके ऊपर चढ़ गया है पुष्पा फीवर, और सबसे ज्यादा ये फीवर चढ़ा है टीवी सीरियल के कलाकारों पर।
बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ इन दिनों मालदीव्स में है। वो अपनी छुट्टियां बिताने नहीं बल्कि किसी इवेंट को प्रमोट करने के लिए वहां गई हुई है। ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी हुई है तेरे बिना जिया जाने की कृषा यानी कि अंजलि ततरारी से। अदाकारी के साथ साथ वो डायरेक्शन करना भी सीख रही है। देख लीजिए उसका एक नजारा।